आप देख रहे हैं कि इस समय अपराध इस तरह बढ़ा हुआ है कि आपको अपराध के बारे में हम पहचान कराते हैं। ये लिपट चुका है जहरीले सांप की तरह इस समाज में। बहुत सही सही चाह रहे हो जोगी जी, तुम्हारा कानून व्यवस्था सवाल खड़े करता है। इस मसले पर हम कोई राय बताएं उससे पहले जरूरी है कि आप खुद इस पूरे वाकये को देखें और अपनी राय बनाएं। अब तेरा निकल जाएगा, अब सही हो जाएगी। जरा महिला कांस्टेबल को भेजिए और इंस्पेक्टर कवि नगर को भेजिए। कुछ नहीं करना आपको, हमारी कार्रवाई होगी। ये पूरी मीडिया इकट्ठी तो बदमाशी कर रही हो, बकवास कर रही हो। महिला कांस्टेबल हो आपको भूल नहीं मालूम क्या? बिल्कुल बदमाशी कर रही है। पेपर मेरी गाड़ी के मिस्टर प्रमोद सिंह ने चुरा लिए थे और आज तक और आप ही नहीं, आज पुलिस ने आज तक उनकी, आप मीडिया वालों के सामने बोल रही हूँ। पोस्टिंग जान तुम्हारी सर की नहीं? मेरी जानू में है पोस्टिंग, जानू में बता रही सर, बहुत गलत अपनी नहीं आपके आपके कब्जे में ले लो ना, कब्जे में ले लो, कब्जे में ले लो अभी एक मिनट। मेरा स्कूटर पे क्यों जाएंगी आप? कभी नगर थाना मुझे नहीं पता क्या? चलो मैं चल रही हूँ कभी नगर ना। अभी देखो जोश खत्म हो जाएगा, आगे लगा देगा। जरा सेट ले आ भाई, शाहपुर चुंगी पे खड़ा हूँ, आ जाओ सेट ले आ जरा, इसकी नौकरी आप खराब कर दो। अरे इधर जरा कवि नगर से महिला आरक्षी भेजो, एक महिला आरक्षी महोदया है, वो कह रही पुलिस वाले ही चलान करने को मिले क्या? जरा आरक्षी को भेजिए, महिला आरक्षी को इस पर कार्रवाई करें। तूने ये बोला पुलिस वाले ही तुझे चलान करने को ये बोला, तू सिपाही नहीं, तुझे तमीज नहीं है क्या? तुझे ये तमीज नहीं है कि कौन रुक पा रहा गाड़ी और कौन खड़ा आ रहा? अब तेरा निकल जाएगा, अब सही हो जाएगा। चालान का इतना खौफ है कि लोग सोते हुए भी हेलमेट और कागज रखते हैं कि पता नहीं कब वो पकड़ लिए जाए और उनकी चेकिंग चालू हो जाए। अवैध वसूली को लेकर किस तरह पुलिस विभाग काम कर रहा है, लोगों को लाठियों से पीट रहा है, आतंक फैला रहा है और उनके कपड़े फाड़ रहा है, बेइज्जती कर रहा है। अवैध वसूली के मामले को लेकर ये मारपीट हुई है। इसमें देख रहे हैं कि एक आदमी को कैसे पीटा जा रहा है, किस तरह उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, किस तरह सरेआम उसकी बेइज्जती हो रही है और किस तरीके से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये हमारी सरकार को देखने की जरूरत है कि क्या चल रहा है सड़कों के ऊपर। अगर ये सड़कों पे ये हालात रहे तो बड़ी शर्म की बात है सरकार की। क्या इसके कारण क्या है? आखिर पुलिस इतने अत्याचार लोगों पे क्यों कर रही है और कैसे कर रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्या हो रहा है और किस तरीके से पुलिस जनता के साथ व्यवहार कर रही है, शायद हमारी सरकार को ये देखने की फुर्सत नहीं है और उसकी आँखें बंद है। जनता आक्रोशित है और हर वर्ग में आक्रोश फैल रहा है। आखिर इसके कारण सरकार को जल्दी तलाशने होंगे। इमरजेंसी जैसे हालात अब पैदा हो चुके हैं। आम आदमी को पीट रहे हो यार, रुक कर दो भाई साहब, हाँ सर बताइए। देखिए कानून बनना चाहिए और कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया मोटर व्हीकल एक्ट ये जनभावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। खास तौर पर जुर्माना इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि जो आम जनता के हित में नहीं है।
आज के समय में एक नौजवान जो किसी तरीके से जिसके लिए कि गाड़ी अनिवार्य है, प्राइवेट कार्य करता है, आता है जाता है और किसी तरीके से मैनेज करके एक गाड़ी खरीदा जिसके परिवार की कुल कीमत 15,000 रुपये हो, जिससे वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हो और उसके ऊपर अगर 25,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा तो ना तो वो धंधा कर पाएगा ना अपना काम कर पाएगा। तो इसलिए सरकार के इस कानून का हम विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन करते हुए जुर्माना कम किया जाए। नौजवान